इंदौर के समीपस्थ मानपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां मानपुर पुलिस की हिरासत में लूट के एक आरोपी की मौत हो गई है। मामले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं जयेश के प्रदर्शन को देखते हुए 5 थानों का दल तैनात किया गया है। दरअसल मानपुर पुलिस ने डकैती की साजिश के मामले में अर्जुन पिता देवकरण को गिरफ्तार किया था। आरोपित से पुलिस लूट की वारदात और हथियार के संबंध पूछताछ कर रही थी। शुक्रवार रात हिरासत में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई तो महू के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस हिरासत में मौत के मामले में तूल पकड़ लिया और जैश संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। लोगों की नाराजगी और पुलिस की लापरवाही देखते हुए ग्रामीण SP भगवंत सिंह बिरदे ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। मामले में SP ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं श्री बिरदे का कहना है कि आरोपी मानपुर थाना क्षेत्र का वांटेड आरोपी है। मानपुर इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। केस दोपहर जा रहा था, वो खुद ही आया था यहाँ पे, कोई पकड़ के नहीं लाया उसको। उसको जबरदस्ती मारा और घर पे ले जाके भी मारा। उधर आज रात को कितने पुलिस वालों ने मारा, क्या आपको क्या लगता है? 7-8 पुलिस वाले थे उसको। आपको खबर कब मिली? हम घर ही पे थे ना, घर पे ही थे। वहीं पे घर के सामने ले जाके मारा उसको, लाठी लाठी से मारा। और वहाँ से फिर हम गए दौड़ने, गए तो माँ बहन की गाली दी हमको, हमको ही मारने दौड़े। और हम फिर घर में घुस गए, घर की माँ बहन को सबको उठा लो ऐसा बोल के, और यहाँ पे वापस ले आए। फिर दरवाजा लगा के फिर यहाँ पे आके फिर मारा उसको, रात भर मारा उसको, बिना गलती से मारा। कोई गलती नहीं थी मेरे भाई, वो भाई है भाई। बबली रात को 11:30 बजे पुलिस, इसके बाद रवि कैलाश के यहाँ गई थी, फिर रोहित को उठाया सर, छत पे सोए थे दोनों। इसके बाद फिर फिल्टर पे लाए, इनको मारा, बेल्ट से मारा, फिर नीचे सुलाए, इसके बाद फिर लक्कड़ से मारा और इसके ऊपर चले थे गजराज। अभी जो मृतक था उसको कब उठाया था? इसको दो दिन पहले थाने पे आया, आ गया था वो खुद ही आया था। हाँ, खुद ही आया था। कौन कौन से पुलिस वाले थे? पुलिस इसमें गजराज था और एक दो स्टार था, बाकी के पता नहीं। ये जब घटना हुई तब आप कहाँ थे? हम घर ही थे ना सर, घर ही थे, उसके आगे था, पुलिस के आगे ही थे हम। जब इनके साथ मारपीट हुई उसके बाद इनकी क्या स्थिति थी? स्थिति खराब, स्थिति खराब थी, चला रहा नहीं था इनसे, और उनको लेटाया गाड़ी में, सुलाया पुलिस वाले ने। इसके बाद बेबल कुंड ले गए, बेबल कुंड भी मारा फुले के पास, और बबलू के पास उनके साथ ऐसा हो गया उनकी। रात को 12 बजे हम खुद थे ना वहीं पे सर, खुद था मैं और मेरा भी नाम लिखा आया है इसने पुलिस वाले ने, गजराज ने धमकी दी। यहाँ से हॉस्पिटल उपचार वगैरह पुलिस ने दिया था? नहीं दिया। आपका नाम बताओ? मेरा नाम पंकज सर। 394 और 399 402 रन अपराधों में वांटेड था उसको, कल लेके आए थे, उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करके वेपन रिकवरी के लिए टीम जा रही थी, उसमें उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको मानपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। उसको PM के लिए MYH में भेज दिया गया। न्यायिक जांच के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है, माननीय जो जिला सत्र न्यायालय ने न्यायिक जांच के आदेश कर दिए गए। न्यायाधीश महोदय उसकी जांच कर रहे हैं। 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और न्यायिक जो भी जांच आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश हो गए तो माननीय न्यायाधीश जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।